हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। जो प्रोडक्ट हमारा खराब निकला, यानी कि हमारा जो ब्लोअर जो था मैंने मंगाया था, वो खराब निकला मेसो से, तो मैंने यहाँ मंगाया हूँ। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, उनकी साइट myinnovation.in साइट से ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट ये चलता है आपका कौन से मोटर में चलेगा। इसमें मोटर इनबिल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये ब्लोअर का जो सिस्टम है, एयर का जो सिस्टम है, वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको ओपन करते हैं, देख लेते हैं इसका अंदर में क्या है, क्या कुछ नहीं है, इसको किस तरह से चलाएंगे और किस तरह से इसकी एयर फ्लो है, सब कुछ हम देखेंगे बारी बारी करके। तो सबसे पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको इसके अंदर की माल मटेरियल को निकालता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स ओपन कर लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर में देखिए, इस टाइप की कुछ माल मटेरियल बिल फिल इसके अंदर में है और बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं है। इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। और ये बिल आपको देख सकते हैं, मैं ये है ऑर्डर नंबर, रेड कलर की मैंने मंगाया था, आया है वाइट कलर का, ठीक है दोस्तों। उसके साथ स्क्रू भी अटैच है, सब कुछ खोलेंगे। और उसके बाद 329 का आसपास मुझे पड़ा है और एक्चुअल इसकी प्राइस है 280 और इसमें शिपिंग और टैक्स मिला के ये कुछ ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसको रखते साइड है, इस पैकिंग बबल पैक इसको रखते हैं साइड में। और इसको देखिए, इस टाइप की कुछ है, इसको खोल लेते हैं। 3D से बना हुआ ये प्लास्टिक बिल फ्लोर है और इसके साथ अटैच भी है, आप इसमें माउंट भी कर सकते हैं, स्क्रू माउंट है। इसके साथ स्क्रू दिया गया है इस टाइप से, ये इसकी स्क्रू है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जैसे मैंने को लगा, उतना अच्छा नहीं है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसमें डेंट पड़ी है और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कुछ स्क्रू है इसके साथ आया है, ठीक है। और इसमें जो 775 की आपकी DC मोटर है, ये इसमें फिट हो जाती है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये फिनिशिंग को मेरे को, ये रफ है, इसको थोड़ी सी फिनिशिंग और करनी पड़ेगी, तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया। और ये जो इतना मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस हमारा यार निकलना चाहिए, बस इधर से यार इनलेट होगा, ब्लेड घूमेगा तो ये इसके साथ रह जाएगा पूरा, मतलब काम बढ़ गया है, ठीक है। काम बढ़ने, मैं आपको सजेस्ट भी क्या करूँगा, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है और फिनिशिंग है उतना वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसको मेरे को अच्छा बनाना पड़ेगा, कोशिश रहेगा अच्छा बनाने की। साफ्ट होनी चाहिए, साफ्ट के साइज़ के, नहीं होगा तो इसको थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी और इसमें ग्लू लगा के इसको पुश करके टाइट करना पड़ेगा। डिजाइन अच्छा है इसीलिए मैंने मंगाया, क्योंकि ये जो यार है अच्छे से यार फ्लो इसमें होगा खुल के, देखते हैं। और ये हम माउंट कर सकते हैं, हमारा जो हॉट एयर मशीन है बनाने वाले हैं उसमें ये माउंट हो जाएगा, इससे ये इसकी पैर है बैठ जाएगा और इधर से आपका मोटर लग जाएगा। ये खाँचा बना हुआ है, इसमें मोटर लगेगा, कुछ इस तरह से ये घूमेगा। तो इसमें यार जाने की भी दिक्कत है, तो इसके लिए हमको रबर का कुछ इसे सिस्टम करना पड़ेगा, या तो जो डबल साइडेड टेप आती है वो इसको यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गैप बन रहा है। और हो सके तो इसको थोड़ी सी और गर्म करके इसको शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये गड़बड़ मटेरियल है, गड़बड़ घोटाला है। और इसकी मटेरियल कुछ अलग है, इसकी मटेरियल कुछ अलग है, ये वाइट कुछ अलग दिख रही है, ये वाइट कुछ अलग दिख रही है, ठीक है। अब इसको होल को मैच करते हैं, होल मैच हो रहा है कि नहीं हम देखेंगे। इसमें दो होल इधर है और इधर का होल है, ठीक है, होल तो मैच हो रहा है, ये दो होल के देख के आपको मिलाना पड़ेगा और ठीक यहाँ पे कुछ ऐसे यार ना जाए उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और थोड़ा सा फिनिशिंग मेरे को इसमें करनी पड़ेगी, सब फिनिशिंग करना पड़ेगा। ये और इसका देखता हूँ थोड़ा सा इसको गर्म करके साइज में थोड़ा आ जाए तो जो चले दोस्तों। इसमें फटाफट से फिनिशिंग का काम करते हैं, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा शोल्डर आयरन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टिप साफ करने वाले रखा हूँ, तो हल्का हल्का इसमें चलाएंगे, ये प्लास्टिक है तो आराम से फिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत रफ है इसके अंदर में,
सो गाइस मैंने अपने हिसाब से जितनी हो सका मैंने इसको फिनिशिंग दे दिया। उंगली में अब नहीं लग रहा है और जो घिसना है सब सैंड पेपर में इसको रब कर देंगे घिस के, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी हो जाएगी और पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और इस ये जो है इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग और करनी है, ये फिनिशिंग हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे ना से हाँ बेटर हो गया है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी जो है हीट दिया और ये जो है आपका जो घर पे अवेलेबल होगा सेलो टेप का जो रोल है उसको मैंने क्या किया इसके अंदर में से करके फ्लैट सरफेस में दबा दिया। तो ये क्या हुआ, ये जो सरफेस है ये इसका सरफेस ये ओके हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये और ये एकदम से बराबर हो गया है, ठीक है। अब इसमें कोई भी गैपिंग का इशू नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मेकअप हो जाएगा इसमें स्क्रू लगाने से। और इसका सॉकेट भी हमको बनाना पड़ेगा, ये नोजल टाइप का SMD हैंडल का उसका जो पाइप है उसकी थिकनेस लगभग 14 mm का है, इनर टाया 12 mm का होगा और आउटर में 14 से 16 mm का है। तो वो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो डाया है वो बहुत बड़ी है, ये लगभग आपका 25 mm का 1 inch के आसपास की का डाया है इसका, तो 1 inch से वो रिड्यूस बनाना पड़ेगा। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट है उसको मैंने सेव कर दिया हूँ, आप इस पर देख सकते हैं किस तरह से इसकी शेप एंड साइज है। पहले इस तरह से नहीं था, हाँ थोड़ी बहुत इसकी 19-20 है जो कि मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी सी सस्ते में मेरे को मिल गया है और थोड़ी सी जो सिलाई है ये अच्छी तरह से काम हो गया है हल्की सी हीट में, ठीक है। और ये जो गैप है ये हम इसमें हम लगा सकते हैं डबल साइडेड टेप या तो फोम लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा बहुत फिनिशिंग कर दिया क्योंकि इसकी जो 3D पाइप है 3D जो प्लास्टिक का है उसी हिसाब से ये थोड़ी सी साइज इसकी बिगड़ चुकी थी, हम इसमें कोशिश किए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें कुछ स्क्रू मिलती है जो कि 775 मोटर में लगती है, 2 छोटी-छोटी स्क्रू और उसके बाद 7 से 8 लंबी स्क्रू लगेगी इसमें जो कि होल के हिसाब से मैच होगा। और ये जो इसकी फैन है और इसकी जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है आपकी रहेगी, जब मोटर इसके साथ फिटिंग होगा वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसके नेट लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, बाकी इसकी जो सेट है ये 3 ही सेट है स्क्रू के साथ, ये 4 है। तो इसकी जो मोटर वाला पार्ट है वो हम दूसरी वाली वीडियो में शूट करेंगे, इसकी पार्ट में दूसरी पार्ट में रहेगा। तो है दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप सबको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक अनबॉक्सिंग के साथ और नए नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।